मैं डॉक्टर विजया तिवारी कानपुर से हूँ और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों का नमस्कार करती हूँ, सभी नागरिकों को और आपको भी। आपसे तो मेरा भी लिफ्ट में आते समय मुलाकात हुई थी, परिचय नहीं था मुझे। जैसे अभी आपने कहा कि सब लोगों को कानपुर के बारे में कोई भी ऐसा सपना, तो सबसे बड़ा एक कमी खलती है कि जो यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब कहीं भी जॉब के लिए जाना होता है, पढ़ाई के लिए भी जाना होता है, तो हमारे शहर से दूर जाना पड़ता है उनको। और जब ये लॉकडाउन हुआ तो जो कहते हैं कि घर में जॉब करने का मौका मिला, जिसको कि वर्क फ्रॉम होम का नाम दिया गया, तो इससे एक लाभ तो ये हुआ कि हमारे जो परिवार के बड़े बुजुर्ग थे उनको बच्चों से साथ में रहने का बहुत अच्छा मौका मिला, जो कि बहुत दिनों से मिस करते थे सभी लोग, सालों साल दूर रहते थे। तो ये चीज की एक कमी ये खलती है कि जो यहाँ का बच्चा है उसको अगर यहीं पे सब कुछ मिले तो वो दूसरे शहर में क्यों जाए। और इसके विषय में कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। शिक्षा के नाम पे तो ये था कि हाँ हमारे कानपुर में अब पढ़ने के लिए भी बच्चे बाहर जाने लगे हैं। पहले हम लोग के टाइम में तो इतना नहीं था अवेयरनेस कि हम लोग बाहर जाके पढ़ पाए, लेकिन अब बच्चे जाते हैं, जैसे ज्यादातर लोग दिल्ली को प्रेफर करते हैं पढ़ाई के मामले में। तो अगर वो कॉलेज, वो पढ़ाई, वो शिक्षा हम अपने शहर में दे पाए तो हमें लगता है कि एक जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की आप बात कर रहे हैं कि बच्चों से हमें कनेक्ट रहना चाहिए। तो अगर हम, जैसे हमारा भी एक बेटा बाहर रहता है और जब कोचिंग की बात हुई, वो MBBS फाइनल ईयर में है, तो ये हुआ कि हमारे हस्बैंड को सब लोग सलाह देते थे कि इसको कोटा भेजिए आप। तो ये बोलते थे कि हम अपने बच्चे के बारे में जितना जानते हैं वो टीचर भी नहीं जानता है। तो हमारे साथ रह के जो टीचर उसको पढ़ाएंगे या हम जो उसको वॉच करेंगे, वो चीज वो दूसरे शहर में हम नहीं कर पाएंगे। फोन से, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हमने पूछ लिया कि हाँ तुम टाइम से उठ गए या नहीं उठे, तो हम इतना ही कर सकते हैं। वो उठ के भी सो सकता है क्योंकि हम तो यहां से देख नहीं रहे उसको। तो ये सारी चीजें जो है वो कभी कभी खलती हैं। मेरा भी बेटा दूर है हमसे, तो हमें लगता है कि हाँ शायद यहाँ रहता तो और अच्छा रहता। और इन दिनों जब हम लोग सब लोग साथ रहे तो बड़ा अच्छा लगा, एक परिवार का एक अलग तरह का माहौल रहता था। तो यही चीजें हैं। मेन तो मेरा फोकस शिक्षा के ऊपर है कि शिक्षा कुछ इस तरह की हो कि हम, हमारे जो यहाँ शहर के बच्चे हैं वो बाहर ना जा पाए। धन्यवाद। तकलीफ क्या हुई, हम जब पढ़ते थे तो तीन विषय होते थे, आर्ट साइंस कॉमर्स कला। आज 3,000 हैं, यूं माने ज्यादा ही होंगे, मैं तो यूं बात कर रहा हूँ। तब सारी शिक्षा सारे शहरों में उपलब्ध हुई, संभव नहीं हो सकता। ये कारण इसका सबसे बड़ा ये हो गया। दूसरा मैंने कहा ना, शिक्षा ने हमको देश से दूर किया, तो हम अब इस लालसा में कि मुझे अच्छा पैकेज कैसे मिले, उसके लिए मुझे कहाँ पढ़ना है, वो कारण वहां जुड़ गया, वहां जाके जुड़ गया। और वो पैकेज फिर पढ़ने के बाद वापस यहाँ नहीं मिलेगा तो वो वापस भी नहीं आएगा। तो हमने बच्चे को भी खोया, तब आपको जरूरत पड़े तो बाकी है कि लौट के आए, नहीं तो संभावना भी कम रह जाती है। तो हमको ये उस पर बहुत सारे पहलू हैं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। आप फरमाए। मैं दीप अवस्थी, उत्तर प्रदेश गट्टी मोरंग एसोसिएशन में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और पहली बात तो बड़ा अच्छा लगा कि 72 साल आपकी उम्र में 65 साल जो आपका पता समाचार पत्रों में जीवन और मिट्टी से जुड़ने का हुआ, तो मैं वही सोच रहा था जब आपका जन्म हुआ तो 7 साल में 56 में एक पन्ने का पेपर निकला, जब 13 वर्ष के आप हुए तो शाम का निकला, और जब 15 वर्ष के आप हुए तो सुबह का चालू हो गया, तो 9 राज्यों में 38 जो चल रहा है। तो सबसे बड़ी सुखी की बात है कि खुशी की बात है कि एक प्रधान संपादक हमारे बीच में आया और शहर की माटी के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, कैसे उसको सुधार बने। सही मानों में यही देशभक्ति है। सबसे इसका एक ही कारण है कि ये कलम बाद में आई मेरे हाथ में जी, इसके पहले मेरे हाथ में बंदूक थी। 71 की लड़ाई में मोर्चे पे खड़ा था, तो माटी तो इस खून में है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये दर्द अगर आ गया तो दिशाएं बदल जाएगी। दूसरा आपका जो सबसे अच्छी लगा कि निष्पक्ष, हमारे शहर में भी एक जैसे भी कहा आज का मीडिया उसका ये होता है
कि वो अपने व्यापारों को सुरक्षित करने हेतु मीडिया का उपयोग करते हैं। और हम बड़े इस सौभाग्यशाली हैं जो आपके बीच में हमारे अरुण दादा, इसी सत्यता के लिए इन्होंने अपने आप को कई बार बलिदान किया। मैं इनका हृदय से सम्मान करता हूं। संजू मिश्रा जी को देखा, जिन्होंने पत्रकारिता के मामले में वाकई में जो निष्पक्षता की बात आप कह रहे हो, आज मैंने इतने दिनों बाद देखा, एकदम दिल में बड़ी खुशी हुई है कि ये थे संजू जी हमारे, शुक्ला जी, तो बड़ा अच्छा लगा। और हमारी जो विषय था, हमारी बहन जी ने कह दिया, विद्यार्थी परिषद में जो साथ ही रहे, आपको नहीं याद होगा, याद है, जो कानपुर को जोड़ने की विषय कर रहे हैं हमारे, ऐसा नहीं, हमारे कानपुर में छोटे बड़े और अच्छे 18 कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, IIT है, मेडिकल है, CSA है, महिला पॉलिटेक्निक है, शुगर के मामले में एशिया में एक था, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है, आपका ITI है, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए। आज से 10 साल पहले की स्थिति में इस लड़ाई को मैं एक बड़े संपादक समूह के पास भी गया, परंतु आज आप आए तो अच्छा लगा मुझे। तो मैंने ये कहा कि उत्पादन तो हम करते हैं, हमारे माँ बाप यहाँ पर पूरे जीवन भर की कमाई जैसा आप कह रहे बच्चों में लगाते हैं, जब वो पढ़ के तैयार होते हैं, IIT हमारे पास है, CSA हमारे पास है, मेडिकल कॉलेज हमारे पास है, परंतु यहाँ रोजगार नहीं है। आज से 10 साल पहले इन्फोसिस कंपनी आई थी आपका कल्याणपुर के आगे जाएंगे रोड पर, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर IT क्षेत्र खोलेंगे, यहाँ के बच्चों को पढ़ने के बाद उनको रोजगार मिल जाए, तो पैसे का फ्लो रुक गया। जब बच्चा हमने पढ़ा के यहाँ को तैयार किया और 2 लाख की नौकरी बंगलौर में करता है, तो 1,90,000 वहां खर्च करता और 10,000 अपने उन बूढ़े माँ बाप के लिए भेजता है जो गठिया से पीड़ित है। इसके लिए मैं सब संपादकों के पास गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया, IT पार्क होना चाहिए, यहाँ पर एक ट्रांस गंगा सिटी है, तो यहाँ पर अगर रोजगार होगा तो हमारे माँ बाप, हमारे कानपुर के आंखों में खुशी आ जाएगी। तो एक IT की मांग है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पास रोजगार नहीं है, सब दिल्ली, बेंगलोर और पुणे तरफ चले जाते हैं। दूसरा विषय मेरा यह है कि कानपुर जो है कि आलू जोन क्षेत्र है, आप यहाँ से जब चालू होते हैं कानपुर से फरकाबाद तक आगे तक चले जाए आलू क्षेत्र है। साहब अंकल चिप्स बनाने की फैक्ट्री नोएडा में क्या करना है, उसको कानपुर में होना चाहिए ना, जो आलू हमारा बाहर फेंका जाता है किसानों की तरफ से, तो उस आलू का उपयोग होगा, किसान के आंखों में खुशी के आंसू आगे, जैसे आपने मट्टी से जोड़ने का विषय कहा। तीसरा विषय मेरा यह है कि हमारा जो कानपुर है गंगा के किनारे है, बड़े भागशाली हैं हम लोग, अगर कन्नौज से कानपुर के जाजमऊ तक आगे ले जाएं, तो ये माननीय सबके पास मैं लेके विषय गया था, तो गंगा के किनारे के करीब कटरी क्षेत्र पड़ता है, 1.5-2 किलोमीटर की जगह खाली पड़ी है, उस कटरी का उपयोग दूसरे भाव में लिया जाता है। तो मैंने कहा क्यों ना कि अपने आत्मनिर्भर भारत का जो एक परिकल्पना है और प्रधानमंत्री के तहत 10 लाख की जो योजना मिलती है, 2 किलोमीटर का क्षेत्र का जो 80 किलोमीटर क्षेत्र है, तो सौर ऊर्जा के मामले में क्यों ना हम 10 लाख रुपए दे के यहाँ के लोगों को खड़ा करें कि साहब आप बिजली बनाओ, और बिजली आज की डेट में सरकार ले रही है, सौर ऊर्जा वन ग्रिड की बात कर रहे, तो हमारे पास 80 किलोमीटर का जो क्षेत्र है और आपका गंगोत्री से लेकर कलकत्ता तक का तो 2400 किलोमीटर है, हम 80 किलोमीटर जो कानपुर की बात कर रहे हो 2 किलोमीटर का, अगर सौर ऊर्जा के जो ये लग जाएंगे और 10-10 लाख PMRY योजना के तहत होता है, तो हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और बिजली के मामले में हम होंगे सामर्थ्यवान होंगे। तीसरा, मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि आपने पहले ही हमको बांध दिया है, कृषि विज्ञान का क्षेत्रवाद में कहते हैं, आयुध के मामले में हमारे शहर की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, पांच हैं, और सिराज के ऊपर के तरह डिफेंस कॉरिडोर के मामले में कहा जा रहा, अगर इसको तेजी से करके किया जाए तो एक रक्षा के मामले में बड़ा अच्छा हो सकता है। और हमारे पास जैसे हमने कहा हम बदलेंगे तो बदलेंगे, लाल इमली है, JK है, काटन में तमाम चीजें, सब लोगों से कहा, सबके पास संपादकों के पास मैंने भेजा, तो जैसे हमने कहा कि जब हम बदलेंगे सब बदलेगा, तो क्यों ना एक बार कानपुर की तरफ से जनता का आह्वान हो, जो पीछे की चीज है राजनीतिक जो श्रमिक है उसको छोड़ते हुए नए सिरे से क्यों ना किया जाए, तो रोजगार की गंगा तो यहाँ आए। तो IT वाला हमारा उठाइए, मैं आपसे कहूँगा, मैं इस बीच में 2 चीज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आपका रोजगार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी सारी कपड़ा मिलों को रिवाइव करवाइए,
इतना बड़ा एरिया है, कितने लोगों को रोजगार देगा, कितने बेरोजगार कर दिया, कितनी इंजीनियरिंग बंद होगी इनके कारण। और ये एक ऐसा क्षेत्र आपके यहाँ पड़ा है जो समय के साथ बदला ही नहीं, कभी वो बदलने को तैयार नहीं, इसीलिए बंद पड़ा है। उसके बदले आज हम विदेश से कपड़े मंगा के पहनने को राजी हैं, पर अपने यहाँ इन फैक्ट्रियों को मॉडर्नाइज करके नई पीढ़ी की जरूरत पूरा करने को हम तैयार नहीं है। ये छोटा क्षेत्र नहीं रोजगार का, इसमें तो गिनती नहीं है, क्योंकि इसकी एंसिलरी बहुत सारी है। ये गंगा की जो बात कर रहे हो, इसकी तकलीफ दूसरी है। कभी उसको गंगा तो मेनली आपके गेहूं का क्षेत्र हो गया है, नहीं कंट्री का उसका एक आ गया है, माननीय मुख्यमंत्री आई टी क्षेत्र से आ गया है वो पत्र। पर आप लोग अगर ज्यादा करोगे तो और तेजों को पत्र हम नहीं समझ रहे हो, पर हमने उसको भी विकास के साथ में पकड़ा दिया। केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हमने इतना डाल दिया आज खेती में, ये सब चीज मेरे को कैंसर के साथ जोड़ रही है। हमारे पंजाब से जाए ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, आज वहीं से कैंसर ट्रेन शुरू है, रोजाना एक ट्रेन कैंसर पेशेंट लेके आ रही है बीकानेर के अंदर। इस पर हम नहीं देख रहे, तो हम आंखों में पट्टी बांध के कैसे विकास को स्वीकार कर रहे हैं। जोश में जब भी हम नाम आलू की, इसीलिए मैं बोला आज आलू में बदबू आती है, लहसुन में देखो बदबू आती है, कली को इतना दूर रखो, खाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, और खाओगे तो नेचुरली फिर आपको उसी तलाई में भर्ती होना पड़ेगा, आप बच नहीं सकेंगे। तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा जरूरत विकास की उस क्वांटिटी की नहीं है, क्वालिटी में आना पड़ेगा। डेयरी का हाल क्या हो गया, नकली दूध आने लगे, आर्टिफिशियल सिंथेटिक दूध आने लगे, इंजेक्शन के दूध आने लगे, बीमार जानवरों के दूध आने लगे, गाय भैंस बकरी सबके दूध इकट्ठे होके आने लगे, तो वो बच्चा मेरे और ठंडे दूध आप परोस रहे हो तो किसी भी आदमी की हेल्थ के लिए कैसे काम आएगा। तो हम बीमारियां पैदा करने के रास्ते खोले चले जा रहे हैं विकास के नाम पे, विज्ञान के नाम पे। आज ये कोरोना में जितना इलाज हुआ आप देखिए, जिन जिन को कोरोना हुआ अभी तक चार चार छह छह महीने निकल गए, नॉर्मल नहीं हो पा रहे। देखिए सबके, आपके सबके सामने किसके शुगर है, किसके बीपी है, किसी का सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं। तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है हम बहुत जोश में बहुत सारी चीजें योजनाएं बना के लागू कर देते हैं, पर उसकी फॉलो आउट को हम नहीं देखते। वो वहां हो रहा है तो यहाँ भी होना चाहिए, तो ये विकास हो गया मेरे, ये गड़बड़ है। हमें भाषा को, भाषा खराब नहीं होती कोई सी, भाषा के साथ ज्ञान नहीं उधार लेना चाहिए। ज्ञान मेरा हो, भाषा कहीं की भी हो। आज तकलीफ हमारी ये होगी कि हम भाषा, हम गिरवी हो गए, हमारे ज्ञान को हमने गिरवी रख दिया, भूल गए। अंग्रेजी की किसी किताब में हिंदुस्तान का ज्ञान ही नहीं है, फिर हम कैसे कहेंगे कि हमारे बच्चे हिंदुस्तानी बनेंगे, या हम हैं नहीं है, संभव नहीं है। तो कहां हम आजादी की बात करें, आजाद हुए कहां, कपड़े आज अगर आज आपकी खुद की मिले कपड़े नहीं बना रही और बाहर से मंगा के पहन रहे हो, आप तो आजाद कहां हो। भाषा के साथ सारी जो जितनी बाजार में आज मशीनें लग रही है सब विदेश की लगी हुई, देखिए आप कितने जापानी मशीनें जिनको सब पैनासोनिक सोने के भी नाम है, माल तो उनका आ रहा, आप मशीनें यहाँ लेके पैसा भी वो ले जा रहे हैं हमारे यहाँ से, और माल सारा आप आज भी उन्हीं का काम में ले रहे हो, आपका अपना माल कहाँ है। इसको हमको समझना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी की चिंता हम तो बात उसकी कर रहे हैं, क्या छोड़ेंगे उनके लिए। कारखाने बेच रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं, FDI के अंदर सब चीज बेच रहे हैं, टैलेंट मेरा बाहर जा रहा है। इसको हम देखें, दो पीढ़ी के बाद मेरे बच्चों के पास क्या रहेगा जिसको हम कहेंगे कि इंडिया का है तुम्हारे लिए। इसको चिंता वहां देखनी पड़ेगी, इतना आगे हमारा तो ठीक है पेट भर गया कट गई और कट जाएगी, पर छोड़ेंगे क्या। आज हम सुखी इसलिए हैं कि हमारे पूर्वजों ने कुछ छोड़ा हमारे लिए, हम अगर नहीं छोड़ेंगे तो हमारे बच्चे भी हमें माफ तो नहीं करेंगे सर, सॉरी। बैठे बैठे, नहीं दिखे सपने में दिखेंगे महाराज, आप बोलो तो सही। माफी आप करती तो रुको, मैं वापस हेलो।
हेलो 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 मेरा नाम आ गया वन माइक से नहीं ये लीजिए मैं ये वाला हेलो मेरा नाम श्री गोपाल तुलस्यान है। मैं लायंस क्लब में पूर्व मंडलाध्यक्ष हूँ और राजस्थान भवन और मारवाड़ी एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। जागेश्वर मंदिर में भी उपाध्यक्ष हूँ। मुझे आज की ये वार्तालाप बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि जो कार्य पेपर्स को देखना चाहिए उससे कहीं पेपर्स बहुत पीछे हटते जा रहे हैं। मैं एक अंग्रेजी का पेपर है कानपुर का, इस समय नाम नहीं लूँगा लेकिन बात बताऊँगा तो आप समझ जाएंगे। वो चार पेज का कानपुर का परिचय छापता है हफ्ते में कम से कम चार दिन, और शायद मैं हर अखबार में उसके वो चार पेज देखता हूँ, उसमें एक भी कानपुर की न्यूज़ नहीं होती है। कानपुर परिशिष्ट है हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर इंग्लिश पेपर का, जो किसी समय हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में तरसते थे कि ये अखबार मिलता नहीं है कानपुर में, लखनऊ से आता है दिल्ली से आता है। अब कानपुर का छपता है और पूरे चार पेज में, कभी कभी छः पेज भी होते हैं, उसमें विज्ञापन होता है, हीरो हीरोइन की फोटो होती है, और पूरे चार या छः पेज में एक भी न्यूज़ कभी भी कानपुर की नहीं छपती है। तो ये चीज़ें बड़ी शर्मिंदगी वाली चीज़ें हैं कि उसके हम क्या उसकी वफादारी माने अपने प्रति, वो तो खुले आम हम लोगों को देता है। भाई साहब नहीं थे तो मैंने कई बात ऐसी करूँ जिससे ज़्यादा उनको मतलब नहीं है। बहुत अच्छी बातचीत भाई साहब ने की है। यदि हमारे पेपर्स अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे कि हमारा समाज के प्रति कुछ दायित्व है, शहर के प्रति कुछ दायित्व है, सिर्फ हम लोग अपनी रीडेबिलिटी को देखेंगे, अपनी इकोनॉमिक्स को देखेंगे, तो काफ़ी चीज़ों में हम लोगों को बहुत नुकसान होता जा रहा है और होता जाएगा। हम लोग समाज की बात करते हैं, आप कई पेपर्स के समाज के पन्ने उठा के देख लीजिए, उनके अंदर कोई भी समस्या नहीं हल की होगी, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के अलावा कोई भी काम नहीं किया। और इसीलिए कानपुर के अंदर जो वो पेपर्स आते हैं शायद 10 मिनट के अंदर हम लोगों को पढ़ के रखने पड़ते हैं। जो संस्कार के पेजे जाते हैं, जो अध्यात्म के पेजे जाते हैं और जो राइटर्स के साहित्य के पेजे जाते हैं, उनके अंदर एक भी स्तर वाली कविता, एक भी स्तर वाली कहानी आपको नहीं मिलेगी। पूरे हफ्ते ढूंढेंगे तो शायद सब मिला के 14 पेज में 2 पेज कायदे के निकलेंगे, 12 पेज तो उनके अपने पत्रकारों की जो च्वाइस है वो। मैं शुरू से राजस्थान जाता रहा हूँ और राजस्थान में हमेशा हम लोग पढ़ते थे और MP में भी पढ़ते थे पत्रिका, राजस्थान में भी राजस्थान पत्रिका, जैसे 85 के बीच में JCs में भी जुड़ा हुआ था, तो हम लोग देखते थे। बहुत ही अच्छी पॉपुलरिटी थी आपकी, आपके परिवार से भी हम लोगों की मीटिंग सुनना होती थी। और अभी जो थोड़ी बातचीत चल रही है, इंडस्ट्री क्यों बर्बाद हुई, क्योंकि सरकार ने ले लिया। सरकार का काम इंडस्ट्री चलाने का नहीं है। हम लोग सब टेक्सटाइल मिलों का कानपुर में काम करते थे। यहाँ पे जो करप्शन हुआ है वो अद्वितीय करप्शन था। ऐसे ऐसे करप्शन वो लोग ऑफिसर्स ढूंढ के लाते थे, और अगर वही ऑफिसर्स बैठेंगे, वही सरकारी लोग चलाएंगे, तो आप अरबों खरबों रुपए डाल दीजिए, वो लाखों करोड़ों रुपए होकर उनकी जेब में पहुँच जाएंगे, वो इंडस्ट्री नहीं चलेंगी। अगर इंडस्ट्री चलानी है तो ये जगह आप इंडस्ट्रीज को दीजिए, वही चला पाएंगे। एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया। और एक भाई साहब बस आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक हमारी तुलस्यान बाबरी है झुंझुनू में, उसको मैं आपको डिटेल दूंगा, उसको आप टेक ओवर करेंगे। इसमें सामग्री की जहाँ तक बात है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, पत्रिका में एक भी चीज हल्की छप ही नहीं सकती। और इसका एक कारण ये भी है कि जो सबसे अच्छी कहानी होगी और कविता होगी साल भर की, हम उनको 21,000 रुपये का इनाम देते हैं। कोई भी साहित्य अकादमी एक रचना पे नहीं देती होगी, दूसरा 11,000 का भी। और वो यहाँ तक गया कि इस दुनिया में मान लीजिए अखबारों के लिए जर्नलिस्ट को सबसे बड़ा जो पुरस्कार जाता है, आज पहले एक जमाने में पुलिट्जर पुरस्कार होता था, आज सबसे बड़ा पुरस्कार राजस्थान पत्रिका से जाता है KC के एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड। वो 11,000 डॉलर के 2 अवार्ड जाते हैं, इनसे बड़ा अवार्ड भी। तो मेरा कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि हम उस जागरूकता के साथ भी हैं और उसी को नीचे तक पहुंचाने के अंदर भी इंटरेस्ट रखते हैं। इसीलिए ये
क्वालिटी का ही काम, क्वालिटी का अर्थ है आत्मा से जुड़ने की बात है सर, दिमाग की बातें नहीं करेंगे तो क्वालिटी स्वतः ही आ जाएगी, उसमें मिठास भी होगा, उसमें सम्मान भी होगा, इसमें नहीं होगा। तो आगे आप बोलिए सर, नहीं यही से क्रम से प्लीज, थोड़ा समय इंतजार तो करना पड़ेगा, आप ये दे दें तब तक। मैं सी एम ए अजय कुमार शर्मा, सेक्रेटरी कानपुर चैप्टर ऑफ कास्ट अकाउंटेंट जी। मेरी जो पीड़ा है कानपुर की सबसे बड़ी, मैं बेरोजगारी है, जो जितनी टेक्सटाइल मिल्स गई वो उससे हमारे लोग बेरोजगार हुए। जैसे दीप अवस्थी जी ने उसमें कहा, तो मेरी यही इच्छा है कि आप अपने मीडिया से या जिससे एक चीज को हटाइए निकालिए कि जो पुराना मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता था, जो इंडस्ट्रीज थी हमारी, जो भी चाहे केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार है, कानपुर में इंडस्ट्रीज को स्थापित करें। और करबद्ध अनुरोध है इस पूरे से कि हम सब लोग चाहें कि टेक्सटाइल हमारा फिर रिवाइव हो। बस बस यही मेन मुद्दा, ये बात हो गई और हम कर रहे हैं। ये बैठे हैं आप नाम है अध्यक्ष जी, इन चार दिन भर कम से कम 2 घंटे बात हुई है। अच्छा डॉक्टर वीर जी आपके पड़ोस में भी उठ के गए जो। अच्छा अच्छा हाँ, ये आपकी उस इंडस्ट्री की, हमारा तो हमारी कानपुर से यही एक पीड़ा है वस्ती जी की, कानपुर के लोग कानपुर के विषय में ज्यादातर लोगों ने जितनी भी समस्याएं थी लगभग उन्होंने बता दी, बेरोजगारी से लेकर मेरा केवल इतना मानना है पत्रकारिता को केवल व्यवसाय से अलग कर दिया है, बहुत कुछ नहीं कौन करेगा। मेरा निवेदन है, मेरा मतलब आशय है कि हम कौन करेगा ये। मैं अगर भी गड़बड़ कर रहा हूँ, आपको खोटा माल दे रहा हूँ तो आप तय करेंगे मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं। मेरा ये तो मुझे खोटा माल बना, मैं माजी आसुरी शक्तियों में से आता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं खोटा ही बनाऊंगा। आपका काम है कि आपको खोटा खरीदना है या नहीं, कहीं ये आपको अपने विवेक से चलाना पड़ेगा, खुद तय करना है। अनुरोध तो कर सकता हूँ अनुरोध नहीं, मेरे मैं तो वही कह रहा हूँ कि आपका स्वभाव नहीं बदला जा रहा। प्रकृति तो ब्रह्म की प्रकृति है, आप स्वभाव प्रकृति को कहते हैं, कहाँ बदलोगे, मरने तक नहीं छोड़ दीजिए। उसी चीज ये है कि बात कई बार पत्रकारों को हमने देखा है कि जो दाम फैलाते हैं, ठीक है आवाज भी आ रही है, इसीलिए मैंने कहा ये तो जो ये थोड़ा ठोको ठीक हो जाएगा। उनके पास कभी कभी पत्रकार पूरी कोशिश के बाद दूसरी ढूंढ के लाते हैं जी, लेकिन ऊपर जा करके वो बात उनकी बात को दबा करके उससे उनके बात को लिखा जाता है तोड़ मारो। पत्रकार की आत्मदिल की बात अगर आ जाए सामने, जनता के सामने, बहुत कुछ जनता को इससे भी लाभ मिल सकता है, लोगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन स्वलाभ के लिए समाचारों को थोड़ा मंगवा जाता रहा है। हमारे अध्यक्ष रहे बैठे हुए, कई बार मैंने देखा इनके महानगर के अध्यक्ष रहे हैं अनुभाग के जी, कई बार मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे समाचार निकाल कर आए, लेकिन वहां पर स्वलाभ के लिए उन समाचारों को दबा दिया गया और मन कुंठित करके बैठ गए। आना चाहिए, अगर अब ये नई बातें नहीं है साहब, आप पैसा लेके खबरें छप रही है तो ये बातें कहाँ नहीं रह गई। तो रोकना तो आप ही लोगों का काम है ना सर, मैं अपने संस्था से आपकी दूसरे को कैसे रोक सकता हूँ, मैं अपनी संस्था की बात कर सकता हूँ। आप अपने घर की जिम्मेदारी ले सकते हो, दूसरे के घर की नहीं ले पाएंगे, उसकी जिम्मेदारी तो आप तय करेंगे कि मुझे नहीं लेना, बस एक ही तरीका, दूसरा तरीका नहीं। जो माल आपको अच्छा नहीं लगे दूसरा ले आते हो, तीसरा ले आते हो, चौथा ले आते हो, कोई करो, लेकिन माल निश्चित मानिए, अगर माल अच्छा होगा तो यहाँ के लोग उसको खरीदेंगे और लेंगे, बस अच्छा नहीं तो बस कैसे, आपको समझना पड़ेगा। थैंक यू। अशोक सिंह गद्दा नाम हमारा। हम संतोष कुमार शुक्ल जी, सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ और किसानों की समस्याओं पर हम ज्यादा अपने कार्यक्रम किए। हमारा
सौभाग्य है हम सबका कि आपने पत्रकारिता, जो पत्रिका है उसके संपादन में हमारे आप उपस्थित हैं, आप प्रधान संपादक हैं और हम सबकी समस्याओं को समाधान की दिशा में लाने के लिए जो कार्यक्रम किया है इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। और ये कार्यक्रम वास्तव में कानपुर वासियों के लिए बहुत ही सराहनीय है। हमारा जहाँ तक मानना है कि कानपुर की शिक्षा तो बहुत मजबूत है, यहाँ पर हर क्षेत्र में शिक्षण संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है और एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल लाला लाजपत राय भी है। हम लोग कभी कोई बीमार आदमी होता है तो हम प्राइवेट पे अपनी टेस्टिंग कराते हैं, प्राइवेट वाले जो डॉक्टर है वो अन्य जगह के लिए लिखते हैं कि भैया आप वहां जाना, यहाँ जाना, अगर वहां से नहीं कराई तो आप ये कह देते हैं भाई ये तो रिपोर्ट सही ऑथेंटिक नहीं है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी एक हमारे मित्र थे उन्होंने आप थोड़ा अपने एक मुद्दे की खाली बात नहीं तब बैकग्राउंड बनाएंगे तो नंबर नहीं। अच्छा, हम लोग मेडिकल उसमें जांच कर पैथोलॉजी में जांच कराई और उस जांच कराने में किडनी की जो रिपोर्ट आई एक में बहुत अच्छी आई और दूसरे में बिल्कुल, हमने एक रिपोर्ट की जांच के लिए दूसरी रिपोर्ट जरूर कराना पड़ता है। हमारा आपसे आग्रह है अगर इस समाधान की दिशा में तो कानपुर में लाला लाजपत हॉस्पिटल में बहुत बड़ा क्षेत्र है एशिया के सबसे बड़ा, एक पैथोलॉजी सरकारी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर हम जो रिपोर्ट मिलेगी वो ऑथेंटिक होगी और हम प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से मनमानी जो रिपोर्टें होती हैं उसके लिए जो है एक और आपसे आग्रह था। चलो ठीक सर, मैं शशांक शेखर पांडे प्रवक्ता गणित विषय। सबसे पहले तो आपने बहुत ही मार्मिक तरीके से जो सामाजिक चिंतन की व्याख्या प्रस्तुत करके हमारा मार्गदर्शन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। कानपुर की समस्या के बारे में भी दीप भैया ने उसको विस्तृत रूप से रखा। कानपुर को मजदूरों का शहर कहा जाता था और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व देने के मामले में कानपुर महानगर दूसरे नंबर पर है। यहाँ की पहचान चिमनियों से निकलने वाला धुआं था जिसको अभी इंडस्ट्रियल वो व्याख्या हुई तो उन अगर वो दो कपड़ा मिले जो यहाँ की थी पहचान थी वो पुनर्जीवित हो सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गुलाब जी आपको हार्दिक धन्यवाद। मैं आर के शुक्ला चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। मेरा सिर्फ सवाल आपसे एक ही है, आपने जो कहा कि पेड़ लगाइए, पेड़ से फैलों घोंसला बनाए, लोग उसमें रहें, तो एक आपने कहावत सुनी होगी, शहर बसा के गांव ढूंढते हैं, हाथ में लिए कुल्हाड़ी छांव ढूंढते हैं, हम एक पेड़ लगाते हैं वो छह काट डालते हैं, तो हमारे पेड़ कहाँ पे सरवाइव करेंगे? ये सिर्फ मैं आपसे पूछता हूँ। बाकी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। मेरा प्रश्न इतना सा नहीं था, मेरा प्रश्न था मैं बीज बनूं और अपने जीवन की सार्थकता के लिए मैं पेड़ बनूं, उस पेड़ के मेरे उस पेड़ पर फल जो लगे मेरे को, मैं अपने बूते पे ही पेड़ बनूंगा ये निश्चित रखिए, फिर मुझे काटने वाले को मुझसे संघर्ष करना पड़ेगा निश्चित, मुझे पेड़ बनना है, मुझे पेड़ लगाना नहीं है वहाँ कहीं भी, बस तैयार है, थैंक यू। आगे मैडम
सर मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है जी। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वर्तमान में जिला संगठन मंत्री हूँ कानपुर में। और जैसा कि विद्यार्थी परिषद के नाम से ही आपको विदित है कि मेरी जो सारी वर्किंग है वो विद्यार्थियों के बीच में विद्यालयों में है, उनके अभिभावकों के मध्य है। तो जैसा कि आप, मैं सुन रहा था आपने जब शुरुआत की अपने व्याख्यान की, तो उसमें सबसे पहले आपने यही कहा कि जो शिक्षा का जो शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की प्रणाली वर्तमान समय में हमारे समाज में है, अगर उसको सुधारा जा सके, क्योंकि हम लोग छोटे से लेकर के LKG के विद्यालयों से लेकर के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक की वर्किंग करते हैं और कोशिश करते हैं ये देखने की कि आखिर ऐसा क्या है जो हमारा समाज अपने उस मूलभूत ढांचे को छोड़कर दूसरी दिशा में पैदल चल रहा है बिना किसी लक्ष्य के और बिना किसी परंपरा और अनुशासन की। तो उसमें यही एक बात समझ में आती है कि लगातार अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले गए, लेकिन जो अपनी व्यवस्था, जो नॉर्ड मैकाले ने अपनी पद्धति छोड़ दी, उस पद्धति को हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय विधि व्यवस्था में हो, कानूनों की बात हो, चाहे वो शिक्षा पद्धति में। आप देख लीजिए इतने सारे क्रिश्चियन स्कूल हैं, जहां पर अभी महीने दो महीने पहले की बात है, कानपुर के एक क्रिश्चियन स्कूल में रामलीला प्ले कराई गई थी, वहां पे राम शंकर और सीता को हंसी का पात्र बना दिए गए, वो ताली बजा रहे थे। ऐसी इस प्रकार की प्ले होते हैं, जब इस प्रकार के प्ले होंगे समाज के लोग उसको देखेंगे, देख करके फेसबुक और व्हाट्सएप की वीडियो की तरह अपने से निगलेक्ट करते जाएंगे, और फिर एक छोटी सी घटना को जब हम विरोध नहीं करेंगे उसको, तो आने वाले समय में वो बड़ी घटनाएं होंगी, फिर हम उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से हमें व्यवस्था बदलनी होगी। जब तक इस देश का युवा इस ज्ञान के इस मार्ग को खुद नहीं पकड़ेगा, तो आज तो आप युवा में कर पूरा विश्व आज पति देश के ऊपर आसरा है। आपके पुराणों में ऐसी कथाएं लिखी है, आपके पुराणों में ऐसी कथाएं लिखी है, पूरा देश हंस रहा है, दुनिया हंस रही है, पूरा कम से कम, और एक वैज्ञानिक आपके पुराणों को मान नहीं रहा है। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि हमको अपने ज्ञान पे विश्वास नहीं है। अगर आपकी पीढ़ी इस ज्ञान को पकड़ ले, समझ करके वैज्ञानिकों से बात कर ले, तो देश निहाल हो जाएगा। हम तैयार हैं, हम भी पेट भरने के लिए, नौकरी करने के लिए पढ़ने लग गए, हमको ज्ञान में इंटरेस्ट भी नहीं है। हमको हमारे 75% जो भी है आपका अटेंडेंस का सर्टिफिकेट चाहिए, और जो भी नंबर हमको आने चाहिए नंबर चाहिए। ज्ञान से वास्ता नहीं रहा। मेरी जो सबसे बड़ी तकलीफ है, मैं संस्कृत के और संस्कृत विश्वविद्यालयों के अंदर मैं नहीं देखता कि कोई हमारे पुरातन साहित्य का इंटरप्रिटेशन कर रहा होगा, नहीं कर रहे हैं। मैं यही निवेदन करता हूँ बार बार कि आप लोग इस काम को अपने मुट्ठी में लो। ये युवा पीढ़ी अगर नहीं संभालेगी, कौन संभालेगा? कसम ही मान लीजिए, फिर आपका भविष्य सिवाय दूसरे के अंगूठे के नीचे काम करने के कुछ नहीं, भी पराधीनता ही है। अगर स्वतंत्रता चाहिए तो अपना बूता बनाओ, अपने ज्ञान के साथ चलो, पर उधार के ज्ञान पे तो उनके ही नीचे जाओगे, ऊपर नहीं आओगे भाई। बस एक मिनट अब इधर से, थैंक यू। इधर आगे हाँ जरूर। हाँ सर, मैं आप सब लोगों के सामने बहुत जूनियर हूँ आपके सामने, खासकर बात हो रही है, ये शायद एक अखबार के ग्रुप का कार्यक्रम है जी जी, और थोड़ा सा हमें लगा विषय भटक रहा है। एक्चुअली बात ये है कि जो व्यापारी है वो नेतागिरी कर रहा है, जो नेता है वो अपराधियों की तरफ भाग रहा है, जो अपराधी है वो नेता बनना चाहता है, जो डॉक्टर है वो नर्सिंग होम खोल रहा है, कोई अपना काम कर नहीं रहा है ना। हम लोग सब लोग अपनी अपनी जड़ों से उखड़े हुए हैं, तो कहां हम तो हवा में घूमते रहेंगे। सर मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा सा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छे से अखबार की बहुत कमी है। मैंने जागरण से अपना करियर शुरू किया, मैंने अमर उजाला में काम किया, मैंने हिंदुस्तान में काम किया, मैंने एक दो चैनल में काम किया, और इस समय आप लोगों के शुभकामनाओं से ये टीवी वाले हमसे कुछ एक्सपर्ट कमेंट लेने आ जाते हैं, तो कभी कभी टीवी में दिख जाते हैं, फिलहाल रिटायर हो गए। तो सारे अखबारों में काम किया मैंने, और इस कानपुर में मिले बंद हुई हमारे सामने, हमें यह भी मालूम है किन परिस्थितियों में मिले बंद हुई। दो चीजें सर बहुत जरूरी है, तो अच्छा अखबार इस प्रदेश को चाहिए। जो कानपुर की समस्या है कमोबेश उस पूरे प्रदेश की समस्या है। आईटी हब नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो अगर एक अच्छा आईटी हब लखनऊ और कानपुर के बीच में उन्नाव क्षेत्र में खुलेगा, तो हो सकता है हमारे बच्चों को यही नौकरी मिल जाए,
ये मुलायम सिंह के समय भी हुआ था, अखिलेश यादव के भी समय हुआ था, लेकिन वो चीजें खत्म हो गई। इस गवर्नमेंट ने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि वो उनकी योजना थी, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हम चीजें ठीक से उठा नहीं पाते हैं। आज सारे अखबार जो भैया ने अभी किसी ने कहा कि 15 से 20 मिनट के रह गए, वास्तव में 15 से 20 मिनट के रह गए क्योंकि खबरें ही नहीं है। संपादक ये कहता है अपने रिपोर्टर से कि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए और मुझे खबरें भी नहीं छूटनी चाहिए, तो एक ग्रुप बन गया है फील्ड पे। सारे बच्चे जो है क्राइम वाले वो एक दूसरे के दोस्तों में है, जो केडीए नगर निगम देखता है वो एक दूसरे के दोस्तों में है, सबके एक ही चीज है कि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए और मुझे खबर नहीं छूटनी चाहिए। ग्रुप बन गए सारे अखबार एक जैसे निकलते हैं। मैंने सर शहर में मतलब खबरें दी, हमने आज से कितने साल पहले 82-83 में खबर दी थी कि कानपुर में पाकिस्तानी हथियारों की आमद। तब कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, तब कोई मंडल कमंडल नहीं हुआ करता था, लेकिन ये स्मगलिंग हुआ करती थी शहर में। हमने वो खबर दी, हमारे संपादक आदरणीय नरेंद्र मोहन जी ने उसको दमदारी से छापा, उसके बाद वो अखबार जलाया गया पूरे शहर में। हम एक बार सर से मिलने गए, नरेंद्र मोहन जी के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मेरा अपना मानना है कि वो एक बहुत दमदार बड़े अच्छे संपादक थे, वो मालिक कम थे संपादक ज्यादा थे, बाकी लोग मालिक ज्यादा। जानता हूं, जानता था। जी जी जी, मुझे उनसे बहुत करीब रहकर काम करने का मौका मिला, मुझे उनका दुलार प्यार भी मिला, डांट भी मिली। जी तो सर वो अखबार जलाए गए शहर में, उसके बाद मुलायम सिंह को 2.5 घंटे कानपुर में आके मीटिंग करनी पड़ी और उसमें मेरी गिरफ्तारी के आदेश हो गए। उस समय विक्रम सिंह जो बाद में डीजीपी हुए यूपी के, वो कानपुर के एसएसपी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाना नहीं हो सकता, तुम्हें गिरफ्तार करना पड़े। मैं अपनी गिरफ्तारी के लिए भी तैयार था, थोड़ा डर रहे थे क्योंकि नए लड़के थे। तो 2.5 घंटे मुलायम सिंह ने मीटिंग की और गिरफ्तारी की बात हुई। अल्टीमेटली ये हुआ कि ना नरेंद्र मोहन गिरफ्तार होंगे, ना अनूप वाजपेयी गिरफ्तार होंगे, आप शहर में दंगा नहीं होने देंगे। ये मेरी उस खबर का दुर्भाग्य है कि शहर में दंगा हुआ। मैं आज भी उस खबर के लिए, वो खबर गलत नहीं थी, उसको मोल्ड कर दिया गया था क्योंकि एक नया अखबार स्वच्छ भारत आ गया था, उसने अपने लेवल पे चीजें मैनेज करनी शुरू की, उनका भी अपना एक लीडरशिप पकड़ने का प्रॉब्लम थी। तो हमने सर शहर में खूब पत्रकारिता की, हमने खूब पत्रकारिता भोगी है। तब ना पेजर होते थे, ना मोबाइल होते थे, पूरे दो जिले का क्राइम हम देखते थे, कानपुर देहात, कानपुर शहर। मुझे यही सब छोटे भाई थे मेरे, ये जो बैठे हुए हैं, ये दीप बैठे हैं, ये लोग 1 रुपए का सिक्का डाल के मुझे खबरें बताते थे कि भैया आज यहाँ कत्ल हो गया। मैं नहीं देता था इनको पैसे, ये लोग वो इन्वेस्टमेंट ये लोग करते थे। तो वो चीज खत्म हो गई, ना वैसे पत्रकार रह गए, ना वैसे संपादक रह गए, ना वैसे अखबार रह गए। जरूरत है यूपी में बहुत अच्छी अखबार की, जो सिर्फ और सिर्फ अखबार हो। माफ कीजिएगा, आप उससे बहुत बड़े हैं, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि तालाब खोदने वाली, ये भी सब काम होने चाहिए, लेकिन हमारा जो मेन काम है वो जर्नलिज्म है, लोगों को खबरों से आगाह करना है, और सिर्फ खबरों से आगाह करना है। वो किसी के पक्ष या विपक्ष में जाए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। मैंने सुधीर चौधरी को कहते सुना कि अखबार खबर वो है जो किसी को चुभे। अरे क्यों चुभे भाई, खबर तो खबर है, वो किसी को चुभ जाती है वो अलग बात है, वो किसी कोई उससे खुश हो जाता है वो अलग बात है। तो वो सोच नहीं है, वो संपादक नहीं है। आप जैसे मालिक जरूर हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करो जो वो सोच डेवलप करे कि मुझे एक अखबार निकालना है, मुझे खबरें देनी है, मुझे फिलहाल अभी कोई समाज सेवा ऐसा नहीं करनी है। वो तो हम जब बना लेंगे, पब्लिक कनेक्ट तो जरूरी है अखबार का, पब्लिक कनेक्ट करना आपका अपना कमिटमेंट ही तय करेगा। मेरे सामने बता दो, सब लोग बैठे मेरे सामने मिले बंधु हैं, सुभाषनी अली समाजवादी सीपीआईएम की लीडर थी, वो बहुत बड़ा कारण थी इस शहर में मिले बंद होने का, जबकि वो मजदूरों की नेता हुआ करती थी, उन्होंने ही मिले बंद है। किसी की हिम्मत आज कहने की, ये सब नुकसान लाल झंडे ने किया है जी, लाल झंडे ने ही लाल पीला हरा। जब जब ये BIC और ये सब मिले बंद हो रही थी, तब पुराना माने का कांग्रेस ने बहुत इसमें गड़बड़ किया। वो महंगी महंगी सिविल लाइन्स में जमीनें थी BIC की और लाल इमली की, साली मतलब आज के जमाने में खड़े होने की जगह अगर आप ले तो कम से कम 1 करोड़ की होगी, ऐसी जमीनें लोग पी गए बैठ के।
क्षमा पूर्ण मांग ले रहा हूँ क्योंकि दो गलतियां करने जा रहा हूँ। मेरे परिवार के जो अन्य लोग हैं उन्होंने अपने परिचय में पूरा परिचय नहीं दिया, लेकिन मुझे जब बुलाया गया था तो मुझे मना भी नहीं किया था कि मुझे पूरा परिचय नहीं देना है। मेरा नाम फैसल सिद्दीकी है, मैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय कुका समिति का मेंबर हूँ, क्षमा चाहता हूँ। दूसरी बात, संवाद के प्रारंभ में एक विषय आया था पुनः क्षमा, कई बार इस शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूँ। संवाद के मध्य एक विषय आया था आधुनिक शिक्षा अभिशाप। अरे मैं उस धर्म को मानने वाला हूँ कि इस्लाम में कहा गया था सात समुद्र पार भी अगर जाके हमको शिक्षा अगर बात करनी है ग्रहण करनी है तो हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड तक बच्चा प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं जाता है, यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक माता पिता अगर अपना समय बच्चे को दे तो अपने संस्कार देश के और धर्म के दोनों उसके अंदर भरे जा सकते हैं। हम समय नहीं देते अपने बच्चों को और जिम्मेदार फैलाते हैं उन स्कूल्स को जिनमें हम लाखों रुपए फीस दे के करते हैं, क्योंकि अगर विज्ञान में अगर इतनी कमी होती, क्योंकि हमने भारतवर्ष का इतिहास पढ़ा, त्रेता युग में पुष्पक विमान की कल्पना थी और संस्कार तब भी जीवित थे। द्वापर में संजय बैठ के धृतराष्ट्र को वहां पे क्या हो रहा है इसकी जानकारी दे रहे थे और संस्कार तब भी जीवित थे। तो मुझे लगता है कि संस्कार जीवित रखना या रखना, ये अभिभावक जिसने उस पुत्र को उस पुत्री को बच्चे को जन्म दिया ये उसका काम है, लेकिन आधुनिक शिक्षा बहुत आवश्यक है क्योंकि आज जितना कंपटीशन है, आज जितना विज्ञान के तमाम तरह के रूप हो गए, तो ऐसे में अगर हमारे बच्चे आधुनिक शिक्षा से कहीं दूर रह गए तो वो विश्व में बहुत पीछे हो जाएंगे। समझिए, इसको तो कोई डिनाई नहीं करेगा। आपको दो बात ही है कि शिक्षा की क्या परिभाषा थी और क्या है, एक तो आपको इसको समझने की जरूरत पड़ेगी कि किसी कौन चीज चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, और दूसरा अर्थ ये भी है कि शिक्षा का अर्थ उसके साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बना रहे और एक समाज को कुछ देने का परिवार का दायित्व है। और कानपुर के नागरिक होने के कारण सिर्फ एक लाइन, कानपुर के नागरिक होने का हमारे हमारे बच्चे, एक उदाहरण देना चाहता हूं, किसी भी बड़े प्रोफेशनल मैं ही समझ थोड़ी देर, क्योंकि मैं एक संपादक हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत सारी डिग्रियां मेरे पास है, क्या हुआ उसका तनख्वाह छोड़ दो आप, उसके बाद मैं संपादक पहले तो इसलिए बना कि मैं 8 घंटे की नौकरी से अपने 16 घंटे की जिंदगी को संवारूंगा, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करूंगा, मेरे जीवन के सपनों को पूरा करूंगा, परिवार के बच्चों को सब तरह को संस्कारित करूंगा। हुआ क्या, घर जाता हूँ, बीवी से संपादक बात कर रहा है, बच्चों से संपादक बात कर रहा है, माँ बाप से संपादक बात कर रहा है, मैं तो मर गया हूँ ही नहीं, और मेरे वो 16 घंटे भी मर गए। कभी आप उस तरह से सोच के देखेंगे कि मैं शिक्षा के बारे में क्या कह रहा हूँ, उसके अर्थ अलग अलग पर्सपेक्टिव। ये बात अपनी बात नहीं, आज व्यक्ति को जो काम करना होता है वो काम करता नहीं है, धनोपार्जन आपकी जेब का कैसा मेरी जेब में आई, हर काम करने वाला चाहता है कानपुर के लिए। मैं अपने जिंदगी जीना भूल गया, इसका मतलब ये खाली उपार्जन से नहीं है, मैं अपनी अपनी जिंदगी की परिभाषा मेरी खो गई, मानव जीवन किस लिए भगवान ने हमें जन्म दिया। और अंतिम वाक्य, अंतिम वाक्य, क्योंकि हमारे कानपुर के बच्चे, हमारे कानपुर के बच्चे आईटी में काम करने के लिए दिल्ली और बाहर जाते हैं, तो इसलिए ये एक प्रयास, ये धन्यवाद प्रभु, थैंक यू। आगे चले, एक इधर से कोई आप बोले बेटे, अच्छा आप बोलिए सरदार जी, आप बोले। मैं अजीत सिंह छावड़ा जी, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र बीजेपी का मिनोरिटी सेल का रीजनल प्रेसिडेंट। मैं विषय पे सिर्फ पाऊंगा एक मिनट, क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी हमारे अपने अपने विचार रख चुके हैं। मैं विषय पे सिर्फ आऊंगा कि हम लोग कानपुर की समस्याओं का समाधान हम लोग का क्या दायित्व बनता है, तो इसमें एक बहुत बड़ी समस्या जो है कानपुर की गंदगी की, 21वें नंबर पे हिंदुस्तान में कानपुर आया है, इंदौर फर्स्ट नंबर पे है, तो इसमें अगर हम लोग कानपुर वासी सरकारों पर ना छोड़ के खुद तय कर लें कि हमें कानपुर को कैसे नंबर 1 पे लाना है,
तो ये काम को हमें 2-3-4 साल में हम लोग कर सकते हैं। एक बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति अमृतसर से मेरे पास आए, मुझे बोले छाबड़ा जी आप 1,000 रुपए हमको हर मंथ डोनेट करो। हमने कहा आप क्या करोगे उसका, तो बोले मैं अमृतसर की नालियों को ऊपर 1 फुट ऊपर 2 फुट ऊपर मैं उसको लैंडर डाल दूंगा, उसके ऊपर गमले लगाऊंगा ताकि नालियों में नालियां भी अच्छी बन सके और गमले भी बन सके। तो हम लोग क्या करते हैं, 2-3 मंजिला कोठियां तो बना देते हैं, नालियों के लिए नगर निगम और सरकार को ढूंढते हैं। ये हम लोग काम खुद करें, अपना अपने घर के आमने सामने स्वच्छता खुद कर रखें, ये हम लोग का दायित्व बनता है, इसीलिए हम लोग कानपुर को नंबर 1 पे ला सकते हैं। दूसरी एक समस्या बहुत गंभीर है जिसको हम लोग चिंतन नहीं करते। आज कानपुर में इतनी कारें 4-व्हीलर हो गई हैं, मैं समझता हूं कि काफी बिजी वाले इलाकों में तो लोग घरों के अंदर जगह नहीं है, लोग अपने रोडों पे ही खड़ी करते हैं और रोड पे वो समस्या ना सरकार के बस में है ना जनता के बस में है। हम लोग को सबको बिल्क बैठ के चिंता करनी होगी कि हम लोग कैसे व्यवस्था करें कि रोड हम लोग की खाली मिल पाए, ये भी एक चिंता का विषय है। मैं आपको इतने कह सकता हूँ कि यहाँ आने से पहले करीब 1.5 घंटे में आपके यहाँ के जो ट्रैफिक के इंचार्ज है कानपुर के, उनके साथ इसी चर्चा में लगा हुआ था। उनका कहना भी ये है कि एनक्रोचमेंट एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से सड़कें छोटी हो गई हैं और वो जब भी ट्राई करते हैं उसको हटाने के लिए किसी न किसी नेता का फोन आता है। पॉलिटिकली शेल्टर्ड हैं ये लोग, तो हम उसमें कैसे मदद करेंगे? इसलिए तो सामूहिक जब तक अभियान नहीं चलेंगे हम सब जनता को खुद सपोर्ट करता को, तो इसका अर्थ है कि कोई भी काम कराना हो सरकार का भरोसा तो छोड़ दो और जनता छत्तीसों के हाथ में ले ले। तो साल में 1 RTI अपने जन्मदिन पे लगा दो, 1 RTI एक साल में 1, आप देखिए क्या रिजल्ट आते हैं 12 महीने के अंदर, नक्शा बदल जाएगा। एक पेड़ लगाओ 1 RTI लगाओ, 2 काम 1 साल में 1 बार करें, नक्शा बदल जाए मोहल्लों के सड़कों के, किसी की बात करें आप एजुकेशन के, जहाँ जाएंगे पानी बिजली सबकी समस्याओं का इलाज आपको सामने होता दिखेगा। प्रश्न ये है कि जब हम इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये प्रश्न आज भी तकलीफ इसलिए है कि आपकी लगेगी तो मैं चुपचाप देखूंगा, ये अर्थ है हमें उस इन्वॉल्वमेंट की भाव को सामाजिक संगठनों की भाव को उन्हें जिंदा करना पड़ेगा जो हम छोड़ते जा रहे हैं और इंडिविजुअल बनते जा रहे हैं, ये अर्थ है। एक छोटी सी बात सर, एक मिनट के लिए। कानपुर बहुत प्रसिद्ध है गंगा को नाम को लेकर, गंगा के आसपास वे प्रदूषण है वे गंदगी है, ये सब हम लोग जनता खुद करे सरकार के ऊपर न छोड़े, ये ध्यान हमारी जी। हमने मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जैसे घाटों के ऊपर जनता को खड़ा करके गोते लगा लगा के अंदर मिट्टियां कचरे कपड़ों के रैक सब कई घाटों को साफ करवाया हमने, यही काम आप बता रहे हैं, पर वो जनसेवी होगा सरकार के भरोसे। नमस्ते, मेरा नाम प्रखर मिश्रा, प्रांत कार्यालय मंत्री विद्यार्थी परिषद। क्या है कि जब शिक्षा का आधुनिकीकरण हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा भारतीयता से परिपूर्ण होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति परंपरा वैचारिक अधिष्ठान से परिपूर्ण होनी चाहिए। और एक तो कानपुर की समस्या पर बात है तो कानपुर सबसे प्रदूषित शहर है और इसके लिए स्वयं समाज भी जिम्मेदार है और तमाम फैक्ट्रियां भी, तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे का भी एक प्रबंधन होना चाहिए, उसका निस्तारण कर सके हम लोग। इसके लिए जन भागीदारी की भी आवश्यकता है, जल जंगल जमीन जानवर के विषय में ध्यान में रखकर हम सबको एक समाज जागरण की आवश्यकता है। देखते हैं कोरोना महामारी के समय में जब ऑक्सीजन भी बिकने लगी थी सिलेंडरों में, वो दिन भी दूर नहीं है जब हमको पीठ पर सिलेंडर टांग करके घूमना पड़ेगा, इसलिए ऐसी परिस्थिति बने उससे पहले ही हम सबको स्वयं ही चिंतन करने की आवश्यकता है। पीछे कोई है बोलना चाहते हैं? पीछे कोई बोलना चाहते हैं? इधर इनको दे दो। सम्मानीय संपादक जी एवं विशिष्ट अतिथिगण यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जी, मेरा नाम मनुकांत है, मैंने बिट्स फिलानी से नॉटिकल साइंस में करा हुआ था, मैं शिपिंग कंपनी में कार्यरत हूँ इस समय जी। तो मेरा बाहर भी जाना होता है और अपने देश में भी काफ़ी समय रहना होता है,
तो आपके समाचार पत्रों के माध्यम से जब भी मैं कभी पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदू जो भी आपके समाचार पत्र हैं जो हिंदी में प्रकाशित होते हैं या फिर जो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो पत्र हैं बाहर के वो मिल जाते हैं, उसके माध्यम से सर मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि समाज में इस तरीके की जागरूकता है या हमारी एजुकेशन सिस्टम में कि बच्चों को शुरू से लेकर के जो अभी तक का है और जो हमने कोरोना काल में जो चीजें देखी उससे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई थी और ना ही किसी को ऐसी एक्सपेक्टेशन लाइफ में किसी को थी कि जो चीजें हमारे सामने आई है। तो उसमें सर मेन मुद्दा जो है एक ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के है, जिसको कि समाज में जागरूकता आनी चाहिए कि जैसा भी एक यहाँ पर बैठे एक भाई साहब थे जिन्होंने बताया कि आगे आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर तक कैरी करना पड़ सकता है, तो इस पर चिंतन करने का वक्त अब आ चुका है सर। और जहाँ तक हमें लगता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में भी ऐसी चीजें आनी चाहिए और हेल्थ को इश्यूज को लेकर के कि जो आज के समय में महामारियां हैं और बीमारियां जो फैली हुई लाइक डायबिटीज है या जिसको हम ब्लड प्रेशर की डिसीज है, दिस इज नॉट अ डिसीज एक्चुअली सर, दिस इज अ लाइफ टाइम जो आपकी है आपके हेल्थ इश्यूज जो आते हैं उसको भी जागरूकता लाने की जरूरत है कि ये वास्तव में कोई बीमारियां नहीं है। अगर हम अपनी आदतों को सुधार कर लें और प्रकृति के करीब होते जाएं तो इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। धन्यवाद। आज आप देखिए ये ऑनलाइन एजुकेशन ने बच्चों की आंखों पे कितना बड़ा असर डाल दिया है। ये सवाल प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न तो ये है कि परिवर्तन हम रोक नहीं पाएंगे, खुद पर हम अपना नियंत्रण बढ़ा लें तो शायद सुख से जीते हुए निकल जाएगा। और हमारी तकलीफ है विचारों की, बीमारियां इन विचारों से आ रही है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सारे सीक्रेशन इन विचारों से आ रहे हैं और उन्हीं में ये मीडिया का भी एक बड़ा रोल है जो विचारों को दूषित भी कर रहा है, पवित्रता को घटा रहा है विचारों, ये अर्थ है मेरा दूषण से ज्ञान से नहीं है। तो वो बीमारियां नई बीमारियां अंदर से वापस पैदा हो रही है, उसका बाहर की दवाइयों से इलाज कभी नहीं हो सकता जब तक मैं उन विचारों को पुनः परिष्कृत नहीं कर लूं, वो बीमारियां नहीं जाएंगी। होना चाहिए कि आप दवाई आज शुरू करें और जब तक मरेंगे तब तक वो चलती रहेगी, कोई भी डॉक्टर आपको नहीं कहेगा बंद कर दो, तो इसका मतलब हम बीमार ही मरेंगे। उसका रास्ता है वापस हमें अपनी संस्कृति के उस धरातल पे आना पड़ेगा, उस चिंतन को समझना पड़ेगा जिसमें जीवन है। जी मेरा एक छोटा सा अनुरोध यही था कि समाचार पत्रों के माध्यम से अगर हम ये जागरूकता लिए हैं कि हम जितने भी प्रकृति के करीब जाएंगे इस चीज को हम ऑटोमेटिकली दूर करते चले जाएंगे। हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत कॉलम है साप्ताहिक, तो आपका आज 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 का ही जो छपा आज का ही पढ़ ले तो आपको लगेगा हम प्रकृति की और जीवन की, हम तो हमारा शीर्षक है शरीर ही ब्रह्मांड, जो कान जो नियम शरीर पे लगा लागू है वो ब्रह्मांड पे लागू है, दोनों के ऊपर और दोनों उदाहरण साथ देते हैं कि देखिए शरीर में ये हो रहा है ब्रह्मांड में ये हो रहा है, शरीर में ये हो रहा है ब्रह्मांड में ये हो रहा है, तो इससे ज्यादा अपन और क्या व्याख्यापन नई पीढ़ी को दे सकेंगे। हम चाहते हैं कि उनका विश्वास बढ़े तो शायद आकर्षित हों, वरना तो मुश्किल लग रहा है मुझे तो सब, जिस तेजी से हम दूर दूर भागे जा रहे हैं देश की संस्कृति छोड़ी जीवन से भागना है कहता हूँ मैं तो, क्योंकि अब हम शरीर के लिए जीने लग गए, ये देश कभी शरीर के लिए नहीं जीता था, आत्मा की साधना करता था, आत्मा को ईश्वर मान के जीता था, अब हमें हमारे जीवन का आधार ही अगर नशा होता हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, ईश्वरी आगे जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं फिर उसी के आत्मा में छोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा तो हम बिल्कुल क्या कह सकता हूँ। कहाँ महेंद्र जी अखबार नहीं हम यहाँ छापते भी नहीं है, डिजिटल भी होता है, अब तो वही बात आ रही है समय ऐसा आ रहा है धीरे देख लीजिए अखबार हिंदी के अखबार अच्छा हिंदी को तो बहुत लो ग्रेड का मानने लगे हम, अंग्रेजी चाहिए, हिंदी अपमान करने के काम आने वाली भाषा हो गई, आप इसको देखो अपन क्या करें इसका, आज मैंने इनकी हिंदी कर दी क्या मतलब हो इसका, हम सब कॉमन भाषा हो गई, मैंने तो आज उनकी हिंदी कर दी, अरे भाई क्या कर दिया, अभी इसको समझे हम हिंदी को कहाँ तक ले जा रहे हैं, कहाँ तक गिराएंगे हम, उसको समझना पड़ेगा तब हमें लगेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, समझे तो ये माटी तो कहीं नहीं दिखती नहीं, स्कूलों में किसी नहीं कहीं नहीं, सिलेबस में भी नहीं दिखती, तो
जितनी कोशिश बन पड़ती है हमारे हाथ में प्रयास है उसका आगे बस, और हमारा प्रयास निरंतर रहेगा, कभी कमी आने वाली नहीं। आपको पीछे से भी कभी भी किसी को कोई भी लगे कि हाँ हमारी सहायता मदद की जरूरत है या हमारी भूमिका की जरूरत है तो आपका स्वागत है, आप कभी फोन करिए, हमारे लोग आपके आएंगे, बात करेंगे निश्चित रूप से। यूं मानिए कि हमारी तरफ से पूरे प्रयास आपके साथ होंगे बस। तो सब आप इनको सबको वापस भिजवा देना। तो बहुत ही संक्षिप्त बुलावे पर आप सभी लोग आए और बहुत ही सार्थक चर्चा आप सबके बीच हुई। आपके बीच हम इसी तरह के और कार्यक्रम चाहते हैं। यहाँ पर हमारे प्रतिनिधि हैं, हम हैं यहाँ पर, आपको जब भी लगेगा इस तरह की जरूरत है हम आपके बीच होंगे। आज जितने भी मुद्दों पर बात की हुई, चाहे वो इस शहर की समस्या के बारे में या फिर और भी जितने मुद्दे हैं, उन पर हम सिलसिलेवार काम करेंगे और जल्द ही आपको उन मुद्दों का कुछ न कुछ रिजल्ट देखना शुरू होगा। एक बार फिर आप सभी का आभार, आप सब आए डिनर पर हमारे साथ। जल्दी आप लोग जो लोग हमारे साथ, हम हैं लखनऊ बैठते हैं, बैठता हूँ, हम जयपुर से आए। आप जयपुर से आए? नहीं, होंगे जी हमसे जुदा है। हाँ, वो भी जयपुर से आए, वो भी जयपुर से आए, वो भी जयपुर। इसीलिए हमारे पास कोई पूर्वाग्रह नहीं किसी के बारे में, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक आए हैं। जो आप दे रहे हो वो हम लेके जाएंगे, वो उसको हम अपनी ट्वेल्थ के राजस्थान का नंबर देख के हमने इसे कहा कि अपनी गाड़ी लगा लो और जाइए। चलिए भोजन पे बैठ।